हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अभी माथेरान में है हमारा नेक्स्ट डे और अर्ली मॉर्निंग में अभी हम होटल से अभी आ गए हैं बाहर, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था विंडो के बाहर देखा तो अभी बस बाहर घूमने के लिए निकल गए सुबह सुबह। तो बस अभी मार्केट में ही है और चाय पीने के लिए आए हैं और इतना कुछ खुला भी नहीं है अभी, अर्ली मॉर्निंग था तो बस अभी चाय का एक ही स्टॉल खुला हुआ था, बाकी सब अभी थोड़ा थोड़ा अपनी शॉप वगैरह सब ओपन हो रहा था। लेकिन सुबह का भी नज़ारा बहुत ही अमेजिंग था, इसलिए अभी हम दोनों भी बाहर निकल गए हैं, मैं और पीयूष, और अभी चाय और पोहा ये सब अभी नाश्ता वास्ता करेंगे और घूम के बाद में जाएंगे। माथेरान में अभी सुबह का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है, अच्छी ज़्यादा धूप मसाया हुआ है। अभी चाय पी ली मॉर्निंग में और पोहे भी खा लिए हैं और थोड़ा बहुत अभी टहलने निकले थे, चलो सुबह सुबह जल्दी उठ के सीधा ही बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा नज़ारा था, स्टेशन पे भी घूम के आ गए, बारिश स्टार्ट ही हो गई है। पूरा दिन बोल रहे थे ना वो बारिश रहेगा, आज पूरा दिन बारिश रहेगा। आप लोग में से जो कोई माथेरान आना चाहते हैं वो लोग मानसून सीजन में ही आइए, ये सब नज़ारा तब भी देखने को मिलता है, 3-4 महीने मानसून सीजन के होते हैं तब, बाकी इतना कुछ धुमस वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। जून एंड से होता है, जून के स्टार्टिंग में भी नहीं होता, 3 महीने तक ये रहता है। नहीं सर, तो सुबह सुबह अभी हम यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, एक बार पोहा तो अर्ली मॉर्निंग में खा लिया, चाय पी ली, लेकिन बाहर बहुत ही अभी बारिश तेज़ हो रही है और साथ में धुमस भी है, लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर है। तो यहाँ पर होटल में अभी सुबह का ब्रेकफास्ट होता है तो वो करने के लिए आई है, देखते हैं सुबह सुबह क्या होता है, पता नहीं है अभी तो हम बस देखते हैं, पर अभी बैठे हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग तो कब का हो चुका है, सुबह सुबह बाहर घूम के आए, बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन सुबह से बहुत अच्छा है। घूम के आ गए और जो मुझे यहाँ पर देखना था स्मोक वगैरह वो आज सुबह सुबह से मिल गया, इसलिए अच्छा लग रहा है। कल पूरा दिन घूमे लेकिन कल नहीं था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा फोगी फोग है, तो एंजॉय आज का वेदर। तो भी हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है, उत्पम क्या है, उपमा, आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या चटनी सांभर ये सब है। सो ये हो गया उपमा, यहाँ पर है उत्पम विद सांभर एंड चटनी और हम और बारिश बारिश में गरम गरम सांभर। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. अभी हम आए हैं एक बेल्ट की शॉप पे, अभी देख रहे हैं
लेकिन यहाँ पर सब ओरिजिनल बोल रहे कि ओरिजिनल जो चमड़ा होता है उसकी ही सब है बनावट बेल्ट की। कैसा है कभी भी बेल्ट कट किया ना लेदर तो पक जाता है, धागा धागा निकला तो मैं आपको टुकड़ा देता हूँ। नहीं नहीं तो आप दे रहे हो तो फिर क्या विश्वास तो कुछ तो है ना यार, विश्वास थोड़ी ना है। क्या है ऐसे ही कोई ये पहले टाइम नेक्स्ट टाइम है ना एनजीओ लोग तकलीफ देते हैं फॉरेस्ट पोजीशन है इसलिए नहीं बोलते प्रूफ करना हमारा बात हम मुझसे बोलेंगे तो देख लो देख लो देखो ये 9000 का बोलते ये भाई किसके चमड़े का है होता है? नहीं एलिगेटर एलिगेटर आप बोलो। ये 8-10 साल तक कुछ नहीं होता, ऐसे ही रहता है मगर का। ये जो आप देख रहे हो 6000 से स्टार्ट है, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 हजार तक के हैं सर। पता चलेगा कितना पैसा। और इसकी वैरायटी देखो आप बेल्ट की कितनी है। ये हमने देखा ये वाला हॉर्स ओरिजिनल है। ये रहा ये देखो अमेरिकन सेलेस्टर हॉर्स ओरिजिनल। ये देखो देखो पहले उसका भी वाइट है ना, कुछ होती है ना हॉर्स की ओरिजिनल आइटम चाहिए तो मुलाकात तो लेनी पड़ेगी, माथेरान ही आना पड़ेगा। हाँ तो माथेरान आना पड़ेगा, अच्छा वाला ओरिजिनल बेल्ट चाहिए। हाँ दोस्तों पहले कितने तो गुड़ रहे थे ये ऐसा लेता रहे, ये काम में आता है। काम में क्या आएगा? अरे ये टुकड़ा बिकड़ा कबर का बेड पट्टी नहीं मानेगी लोग होएगी वो गंज जाएगी ये आज इतनी रहेगी। हाँ पीयूष ने एक बेल्ट खरीद लिया है, इतना टुकड़ा नहीं रखते। अभी मार्केट में ही है ये शॉप। मैं तो करता हूँ और एक तीन शॉप। मंजीवाई रोड़ा मेरा कस्टमर है तीन। कौन सा? मंजीवाई रोड़ा। हाँ मंजीवाई रोड़ा। भौंजी ज्वेलर भौंजी जेम्स। पूरा सुबह से मेरे पास बेटा 50 अभी भी नहीं सोचा मैंने, आपका मैंने विश्वास ही लिया है। मुझे तो पता ही नहीं आप समझे। ये अभी एक लिया, नेक्स्ट टाइम आप 10 लेके जाएंगे। ऐसा ऐसा मैजिक लेदर है ये अपने इंडिया में दिखने को मिलता नहीं। क्या मैजिक मैजिक बोले ना तो मैजिक लेदर में भी मैजिक है मेरे पास। लेदर बेल्ट हाथ में पकड़ ये इंडिया का नहीं, अपने इंडियन लेदर का कैसा कलर है ना चीज कैसा है, जहाँ पे दबा ना उधर कलर चेंज रिटर्न। अपने इंडिया में दबाए ना तो ऑयल और निकलता है। हाँ ये ऑयल ये स्टैंडी का लेदर है। 12 साल करो कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, दीदार नहीं होगी 8-10 साल 12 साल 12 साल देखने हैं। ये इसके रेट यूरोपियन हाइट मेड इन इंग्लैंड ये 3200-3400 नाम हो जाता है खाली जैसे पीछे मेरे कुछ नहीं ना मेड इन इंग्लैंड हो जाता है इसमें खाली लिखा हुआ 3200-3500 का इंडिया अपना सबसे बेस्ट लेदर है। इंग्लैंड 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 ना बड़े जानवर का यूज करते हैं अंकल मजा आया बहुत मस्त है। 100 अच्छी माथेरान में विजिट जरूर करना है। कुछ काम नहीं आएगा आप रखो ठीक है आप इसी यूज करो। तो अभी हम आ गए हैं जंगल के बीचों बीच, तो आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ पर, आते जाते रहते हैं लोग लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं तो कोई अलग अलग जगह से, लेकिन अभी जा रहे हैं उस जगह पे कोई नहीं है। बहुत सारे अभी बर्ड्स इंसेक्ट इस सब की अभी बोल रहे तो आवाज़ आ रही है, आप सबको भी सुनाई भी दे रहा होगा, लेकिन चारों तरफ जंगल ही जंगल है पूरा का पूरा, बहुत ही शांति शांति है। पीयूष तो कुछ बोलते भी नहीं सिर्फ शांति से चलते रहते क्योंकि उसको नेचर ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बस ये सुनना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपना भी बोलती रहती हूँ वो सुनते रहते हैं और बस ये सब सुनते रहते हैं। अपना रेडियो चालू रहता है मुझे तो रेडियो बंद हो जाए तो मुंजारा आने लगता है अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ऐसे ही बोले बिना बिना बोले घुटन सी होती है इसलिए अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो बोलती रहती हूँ। बोले एक को तो बोलना ही चाहिए ना, एक को सुनना चाहिए।
मुझे बोलने में दिक्कत होती है, बिना बोले मुझे आता है। इसको कम बातें करना अच्छा लगता है, और ऐसी जगह पे आए तब तब बिल्कुल नहीं बोलना होता है, बस ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही घना जंगल है, नेचर का समझ समझ कर देख कर हम कुछ मजा आता है, कुछ अलग दिखता है, भर जाते हैं जैसे अंदर एनर्जी आ रही वैसे। जैसी जैसी जिसको पसंद। सो वैसे मैं इतना ज़्यादा अभी व्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति ये सब है, पूरा नेचर का मज़ा लेना चाहिए। जिसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है उसको यहाँ पर माथेरान ज़रूर आना चाहिए, इसके लिए बेस्ट है। लेकिन बच्चों को ये सब को इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बस ये नज़ारा ही देखना है, और बारिश का जो फोग वगैरह होता है उसका मज़ा लेना होता है। ये सब जिनको पसंद है वो लोग के लिए ये जगह बेस्ट है। तो बस अभी व्लॉगिंग तो इतना नहीं करेंगे, बस अभी इसका मज़ा लेते हैं, शांति से बैठना, शांति से चले जाना। ये सब ऊपर भी अभी देखो पेड़ है वो टकरा गए हैं, इसलिए इतना धुम्मस भी अंदर भी नहीं आ रहा, वरना बाहर तो फोग ही फोग है। थोड़ा आगे निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा फोग होता है, लेकिन ये सामने अभी आमने सामने पेड़ टकरा गए हैं तो इतना फोग नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं से आ रहा है, लेकिन आज पूरा दिन फोग ही रहने वाला है। हजारों साल से होगा ना ये सब झाड़, पुराने झाड़ है ना सब, इतने ज्यादा पुराने हो गए। हाँ हजारों हजार, 500, 1000, 400, 200, 500 जैसा, मतलब जितने साल ये उम्र होगी उसकी, लेकिन ये बहुत पुराने पेड़ है। हमारे जैसी 3-4-5 पीढ़ियाँ चली गई होंगी तब से है। तो होंगे शायद। हाँ जाता सबूत है, देखो ये कितना पुराना होगा। यहाँ से तो शायद निकाली ही होगी, कि पानी की वजह से शायद हो गया होगा, लेकिन अभी पेड़ देखो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। पेड़ बचाने के लिए कैसा जुगाड़ करके रखा है पत्थरों से। अभी एक रास्ते में पेड़ है उसको भी नहीं काटा है, देखो ऐसे ही रास्ते में इसकी जगह को भी कवर कर दिया है। तो यहाँ पर अभी एक पेड़ भी नहीं काटते, जो लकड़ियाँ गिरती है ख़राब होके या टूट के तो वो ये लोग लेके जाते हैं और आग जलाने में सब में यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ है जो पानी वहाँ पर नीचे नदी है, यहाँ से लोग चलते जाते हैं, आना है तो चलो। नहीं मस्त जगह है, माथेरान की ब्यूटी। सो यहाँ से आ रही है नदी, हम इस रास्ते से आए, यहाँ पर नदी आ रही है, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि इतनी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। अभी होटल में भी बोल रहे थे कि अभी बारिश आना स्टार्ट हुआ है, तो अभी बस 1-2 महीने तक रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी, तो बहुत पानी कम है, और ये पूरी नदी का पानी है वो उस वाले तालाब में इकट्ठा होता है, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वहाँ पर अभी फोग आ गया है। तो ये भी काफ़ी बड़ी नदी है, थोड़ी थोड़ी अभी बारिश स्टार्ट है और फोग। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.